फैक्टिव वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय व्हाट्सएप दुनिया भर में फेमस है। दिन ब दिन नए यूजर्स इससे जुड़ते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 1 बिलियन यूजर्स रोजाना व्हाट्सएप चलाया करते हैं। पर क्या आप जानना चाहेंगे कि व्हाट्सएप आखिर पैसे कैसे कमाता है? ये न तो तमाम दूसरे मैसेजिंग एप्स की तरह हर मिनट बेकार के विज्ञापन दिखाता है और ना ही ऐप को यूज करने के लिए पैसे मांगता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर ये पैसे नहीं कमाता तो भला क्यों मार्क जुकरबर्ग ने इसे खरीदा है। तो चलिए आपको बताते हैं व्हाट्सएप का पैसे कमाने का राज। लेकिन इसको जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल फैक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बने इस बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। दोस्तों, व्हाट्सएप ने अपना हथियार सबसे छुपा कर रखा हुआ है। व्हाट्सएप के नियमों के तहत वो किसी भी यूजर के मैसेज को न तो अपने सर्वर पर स्टोर कर सकता है और ना ही उन्हें पढ़ सकता है। इसी वजह से अब व्हाट्सएप ने मैसेज एनक्रिप्शन भी शुरू कर दी है, जिससे सिर्फ मैसेज करने वाला और मैसेज प्राप्त करने वाला ही मैसेज को देख सकता है। खुद व्हाट्सएप भी आपके मैसेज पर नजर नहीं डाल सकता। इसे ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप यूजर की प्राइवेसी में ना जाकर उसकी हरकतों पर नजर रखता है। मतलब व्हाट्सएप ये देखता है कि आखिर उसका यूजर कब ज्यादा एक्टिव रहता है, दिन भर में कितना समय यूजर व्हाट्सएप पर बिताता है। अपने यूजर की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ऐसे बहुत से छोटे छोटे टेस्ट करता रहता है। अब आप सोचेंगे कि भला इस जानकारी से व्हाट्सएप क्या करता है, तो चलिए आपको उसके बारे में भी बताते हैं। व्हाट्सएप हमारे डाटा को समझकर एक डाटाबेस बनाता है, फिर उस डाटाबेस पर रिसर्च होती है। ये रिसर्च बताती है कि आखिर हमारी पसंद क्या है और क्या नहीं है। ये सारी जानकारी बाद में विज्ञापन कंपनियों को दे दी जाती है ताकि वो उसके हिसाब से अपने ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट लेकर आए। यूजर्स का ये डाटा लेने के लिए बहुत सारी कंपनियां लाइन में लगी रहती है। व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक भी जान जाता है कि आप कब एक्टिव रहते हैं और उसी समय वो भी आपको विज्ञापन दिखा देता है। ऐसी ही छिपी छिपी चीजों के जरिए व्हाट्सएप यूजर से डाटा इकट्ठा करके पैसे कमाता है और आपको पता भी नहीं चलता। वैसे तो व्हाट्सएप व्यापार में सीधे तौर पर एंट्री करने की तैयारी में है। व्हाट्सएप ने ये बात स्वीकारी है कि वो भविष्य में व्हाट्सएप मैसेजिंग के जरिए व्यापार का विस्तार करने की सोच रहा है। इस कड़ी में व्हाट्सएप व्यापारियों को एक बिल्कुल ही अलग तरीके से ग्राहक से जोड़ने का प्लान कर रहा है। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप पर लाइव चैट के जरिए ग्राहक और व्यापारी एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। इसके लिए व्हाट्सएप अलग से कमर्शियल सर्विस शुरू करने का प्लान कर रहा है। इसमें ग्राहक सीधे सीधे मैसेज के जरिए व्यापारी से अपनी किसी भी परेशानी का हल पा सकेंगे। हर नए अपडेट के बारे में ग्राहक को मैसेज के जरिए पता चलता रहेगा। व्हाट्सएप ने अपनी इस सर्विस को शुरू भी कर दिया है। वैसे अभी तो ये बीटा टेस्टिंग पर है ताकि इसके अंदर की सारी खामियां दुरुस्त कर ली जाए। अपनी इस टेस्टिंग की शुरुआत में व्हाट्सएप ने छोटे व्यापारियों को पहली अहमियत दी है। ये सर्विस अभी तो उन्हें बिना किसी फीस के मिल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये पेड हो जाएगी। अगर ये टेस्टिंग सफल रही तो हो सकता है कि व्हाट्सएप पर ये हर छोटे बड़े व्यापारियों के लिए उपलब्ध हो जाए। भारत में हो रही डिजिटल क्रांति से कोई भी बेखबर नहीं है। हर कोई इसकी बहती गंगा में हाथ डालना चाहता है। व्हाट्सएप भी डिजिटल पेमेंट के इस मैदान में अपना हाथ मार चुका है। अभी थोड़े वक्त पहले ही व्हाट्सएप ने भारत में UPI पेमेंट ऑप्शन स्टार्ट किया है। डिजिटल पेमेंट से सीधे तौर पर व्हाट्सएप की कमाई पर असर पड़ेगा और वो बढ़ने लगेगी। व्हाट्सएप की बढ़ती लोकप्रियता ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। ये अब हर स्मार्टफोन चलाने वाले की जरूरत बन चुका है। फेसबुक ने यूं ही इसे खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च नहीं किए। वो इससे कमाई के नए रास्ते खोल रहा है और जाहिर है आज के उपभोक्तावाद के युग में जिसके पास जितनी यूजर्स है उसकी कमाई उतनी ही बड़ी होने के रास्ते खुल रहे हैं। तो इस पैमाने पर व्हाट्सएप डायरेक्ट बिजनेस में बहुत जल्द बड़ी पहचान बना सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि व्हाट्सएप आखिर पैसे कैसे कमाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।